अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम फूड फॉर थॉट के साथ नसरीन खान। जिंदगी एक मशरूब की तरह है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, खुशी गम दुख सुख कामयाबी नाकामी इल्म जहालत गुरबत अमारत, बहुत कुछ है जो जिंदगी में मिक्स होके हमें मिलता है। हमने ये सोचना है कि जो कुछ हमें मिला है हमने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसमें से हम अपने लिए क्या बेहतर से बेहतर तलाश कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ें तो हम बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये हमने जो प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं, इसका मकसद ये है कि जो हमारे मसाइल हैं ज़िंदगी के, जो हमें इश्यूज़ पेश आते हैं, हम उनके बारे में गौर करें और सोचें कि इनके हल क्या हैं। कम से कम सोच की हद तक तो हम अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि हम नतीजे निकालें और गौर फिक्र के बाद किसी ऐसी जगह पर पहुँचें जहाँ से हम बेहतर अमल की तरफ चल सकें। तो ये फूड फॉर थॉट का मकसद ये है कि आप सोच के सफ़र में हमारे साथ शामिल हों, हम भी गौर करें और आप भी गौर करें। हर चीज़ जो भी अमल हम करने के लिए तैयार होते हैं उसकी इब्तदा हमारी सोच से होती है, तो इस सोच के हवाले से हमने एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी है कि हम अपनी सोच को चेक करें, हम अपनी सोच को देखें कि ये कहाँ है। जैसे इस वक्त मैं आपके सामने एक सवाल रखती हूँ, बड़ा सादा सा, कि हम इस वक्त वबा के दिनों से गुजर रहे हैं, तो इस वबा के दिनों ने हमारी ज़िंदगी में क्या मस्बत और क्या मनफी सोची पैदा की है, क्योंकि जो सोचें हमने इस दौरान महसूस की हैं इनफरादी सतह पे या इज्तमाही सतह पे, ज़ाहिर है वो आगे चल के किसी न किसी हवाले से प्रैक्टिस भी होंगी। सोच जो भी आपके अंदर आती है ना, याद रखें वो रुबामल होती है, हम उस पर एक्ट करते हैं। तो इसी बात का ख्याल करते हुए हमने ये सोचा है कि आपके साथ हम शेयर करें, फूड फॉर थॉट आपके सामने रखें कि हम मुख्तलिफ मसाइल में कैसे सोचते हैं इनफरादी सतह पर और इज्तमाही सतह पर, और वबा के दिनों में हमने इनफरादी सतह पे क्या सोचा, क्या पॉजिटिव सोचा और क्या नेगेटिव सोचा, और इज्तमाही सतह पे हमने क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव सोचा। जैसे मैं अपनी सही इब्तदा करती हूँ, तो इनफरादी सतह पे मुझे लगा कि ये जो दिन है, जिस तरह की सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें जैसे हाथ से पकड़ के रोक दिया है, हम भाग दौड़ एक हैसल थी जिसमें से हम गुजर रहे थे। 2020 अगर हम शुरू देखें जैसे हमारा हुआ, तो एक हैसल है जिसमें से हम गुजर रहे थे, तो अल्लाह ने जैसे थोड़ी देर के लिए हमें रोक दिया और कहा कि गौर करो, सोचो कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। तो इनफरादी सतह पे मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी की बेसबाती का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ, पहले से ज़्यादा शिद्दत से मुझे लगा कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं ये तो बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो फिर आगे क्या है, इसके हवाले से गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने इज्तमाही तौर पर इसमें देखी वो ये थी कि जो हमारे इर्द गिर्द गुरबत है, जो हमारे इर्द गिर्द मसाइल हैं हमारे एटमोसफेयर के हवाले से, हमारे ज़िंदगी के जो मामलात हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से, उसमें मुझे लगा कि हम सबको कलेक्टिवली ये जो 80% लोग 20% चूज़ कर रहे हैं और जो 20% 80% कर रहे हैं, इसके हवाले से ज़्यादा विजिलेंटली हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो मुझे इस वबा के दिनों में ये दो चीज़ें गौर करने के लिए मिली, तो मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप भी मुझे बताएं कि आपने इन दिनों में क्या इनफरादी तौर पे महसूस किया और क्या इज्तमाही तौर पे आपके दिमाग में बातें आई। नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट करें और हमें अपनी राय दें और बताएं कि हम इस सिचुएशन के बाद अगली सिचुएशन में कैसे बेहतरीन बिहेव कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।